Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B month of January. Before starting your work students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. Now students, move to the written work. स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा और अपना सेंटेंस का एंड या आंसर का एंड फुल स्टॉप पे करिएगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपना ब्लू पेंसिल से उतारिएगा और आंसर ब्लैक पेंसिल से. क्वेश्चन आपका ब्लू पेंसिल से होना चाहिए और आंसर ब्लैक पेंसिल से. जब आप अपना क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारेंगे तो आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, और आंसर ब्लैक पेंसिल से लिखेंगे तो आपकी कॉपी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. स्टूडेंट्स, आप जिस दिन भी अपना काम करें उस दिन की डेट लाजमी मेंशन करें, और डेट मेंशन करने के बाद, अपना काम डन करने के बाद, आप लोग इंडेक्स लाजमी बनाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपना विंटर वेकेशन कंप्लीट करना है, देन अपना मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट करना है. स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपना सबसे पहले मंथ ऑफ जनवरी कंप्लीट करना है, देन आप लोगों को अपना मंथ ऑफ जनवरी का रिमेनिंग काम कंप्लीट करना है. मंथ ऑफ जनवरी का स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था यूनिट. मैं आप लोगों को दोबारा डिफाइन कर देती हूँ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन. A shortened form of a word which can be joined to another word is called contraction. Contraction student वो word है जो एक word या एक से ज़्यादा words को आपस में join करता है. Basically student, contraction वो word है जो एक या एक से ज़्यादा words को आपस में combine करता है with an apostrophe. For example, we will, did not, must not, wouldn't, they have. Now students, move to the remaining work. आपका question है letter. Write a letter to a friend congratulating him or her for an excellent result. जो girls हैं वो girl हर लिखेंगी, और जो बॉयज़ हैं वो हिम लिखेंगे. स्टूडेंट, क्वेश्चन इज, सबसे पहले लेटर का आप लोगों को क्वेश्चन समझना है कि लेटर आपसे मांग क्या रहे हैं, लेटर आपको लिखना क्या है. कभी कभार स्टूडेंट्स ये भी होता है कि क्वेश्चन कुछ और होता है और आप लोगों का आंसर कुछ और होता है. तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है कि क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन इज, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर फॉर एन एक्सलेंट रिजल्ट. आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट का. आप अपने दोस्त को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. लेटर में स्टूडेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फॉर्मेट. चाहे वो कोई भी लेटर हो या एप्लीकेशन हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपका
फॉर्मेट, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, और जब आप लेटर लिखते हैं तो उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वेदर लेटर हो या एप्लीकेशन, मटेरियल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका वो होता है फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, लेटर का फॉर्मेट क्या है, लेटर में आपको क्या लिखना है, कहाँ डेयर लिखना है, कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ डेट लिखनी है, कहाँ एंड करना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, ये सब बातें स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए लेटर की फॉर्मेशन की। सो लेट्स स्टार्ट अ फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्मेशन समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, एप्लीकेशन का फॉर्मेट राइट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, और लेटर का फॉर्मेट आपका राइट साइड से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद रखिएगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, और लेटर का फॉर्मेट राइट साइड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, 4048 FB एरिया अजीज़ाबाद, देन सिटी कराची, देन डेट 20th May 2020। देन यू राइट, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, वेदर वो अंकल हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, मदर हो, आपके फादर हो, आपके ब्रदर हो, या आपकी फ्रेंड हो, तो उनका यहाँ जिक्र किया जाएगा। नाम नहीं लिखना, आप जिसको लिख रहे हैं उसको माई डियर फ्रेंड लिख सकते हैं। होप यू आर फाइन एंड आई एम फाइन हेयर, सबसे पहले आप उसकी खैरियत पूछेंगे, जैसे आप उर्दू में लिखते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी वहाँ खैरियत से होगी, इसी तरह आप इंग्लिश में लिखेंगे, होप यू आर फाइन एंड आई एम फाइन हेयर, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या लिखा है स्टूडेंट्स आप लोगों ने, होप यू आर फाइन एंड आई एम फाइन हेयर, आई एम वेरी हैप्पी टू न्यू दैट यू हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी खैरियत से होगी, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुमने 80% मार्क्स लिए हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में। आई मोस्ट हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एक्सीलेंट रिजल्ट, मैं बहुत तहे दिल से अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ तुम्हारे इतने अच्छे और शानदार रिजल्ट पर। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मैं बहुत फ़ख्र करती हूँ तुम पर, और मेरे पेरेंट्स, मेरे वालदैन भी बहुत खुश हैं मेरा सलाम कहना अपनी फैमिली को। पे माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली, योर्स ट्रूली XYZ। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, लेटर में आप लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना है, फॉर्मेशन का ख्याल रखना है। आधे से ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स लेटर की आपकी फॉर्मेशन के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ डेट मेंशन करनी है, कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ सिटी लिखना है, कहाँ एंड करना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। 4048 FB एरिया अजीज़ाबाद कराची, डेट 20th May 2020, माई डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, देन आपने डेट लिखी, देन आपने सिटी लिखा, देन आपने डेट लिखी, देन आपने उस इंसान को मेंशन किया जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो आपने लिखा माय डियर फ्रेंड, फिर आपने सबसे पहले उसकी खैरियत पूछी, फिर उसको बताया कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, देन उसको वो चीज़ आपने मेंशन की जिसलिए आपने लेटर लिखा है, देन आपने एंड में क्या किया, उसकी फैमिली को सलाम किया और अपनी फैमिली का भी इंट्रो करवाया कि मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और मैं तुम्हारी फैमिली को सलाम कहती हूँ। होप यू आर फाइन एंड आई एम फाइन हेयर, आई एम वेरी हैप्पी टू न्यू दैट यू हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन,
I most heartily congratulate you on your excellent result. I am proud of you and my parents are also very happy. Pay my regards to your family. Yours truly, XYZ. So students, ये letter आप लोगों को अपनी copies में लिखना है और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप कोशिश करें कि अब letter खुद लिखें. जब आप लोग खुद से लिखेंगे तो आप लोगों की थोड़ी grammatical mistake होंगी, लेकिन आप लोगों को लिखना आएगा. आप रोज़ अपनी क्रिएटिव राइटिंग करें, कोई भी टॉपिक ले लें और उस पर लेटर लिखें. अपने फादर को लेटर लिखें, अपने मदर को लिखें, किसी को भी आप लेटर लिखें. आप कोई भी टॉपिक उठा लें और उस पर खुद लेटर लिखें. आप अभी से लिखना शुरू करेंगे तो आपकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी होगी, क्रिएटिव राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सब लेटर खुद लिखेंगे. नाउ मूव टू द रिमेनिंग वर्क. Your next word is essay. Eating out with family. हम फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं, उस पर हमें essay लिखना है. सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ जाते होंगे, फ्रेंड्स के साथ भी जाते होंगे, ब्रदर के साथ भी जाते होंगे, रिलेटिव के साथ भी जाते होंगे, कज़न्स के साथ भी जाते होंगे, लेकिन हमें यहाँ किस पर टॉपिक लिखना है कि आप अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं या डिनर पर जा रहे हैं. Now start your topic. Whether it is dinner, breakfast or lunch, family meals offer an opportunity for all family members to pass time enjoying each other's company and good food. अच्छा, वो फिर डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, फैमिली का जो मील होता है, आप एक इकट्ठे फैमिली मेम्बर्स जाते हो, साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आप सबसे ज़्यादा क्या करते हो, वहाँ इन्जॉय करते हो, अपनी फैमिली की कंपनी को आप इन्जॉय करते हो. आपको खाने से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में इन्जॉयमेंट मिलती है. सो स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिनर पर ही लिखें, आप ब्रेकफास्ट पर भी लिख सकते हैं, आप लंच पर भी लिख सकते हैं. It's up to you. Sharing meals with loved ones is like a special event that almost assumes the form of a ceremony. ये एक तरीके का, students, आप अपनी meals अपने प्यारों के साथ, अपनी family members के साथ share करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ceremony है, कोई आप कि occasion है, कोई दावत है, कोई event है उस दिन. जब आप अपनी family members के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, आपको ख़ुद पुरसकून महसूस होता है. होता है या नहीं होता? आप जब अपने मम्मा पापा या अपने बहन भाइयों के साथ होते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है. फैमिली मील टाइम इज़ द बेस्ट टाइम. जो फैमिली के साथ खाने का टाइम होता है वो बहुत बेस्ट टाइम होता है. ईटिंग टुगेदर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर ऑल द थिंग्स विद आवर फैमिली मेम्बर्स. अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप लोग इसमें लिखते हैं. ऐसे की फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को पैराग्राफ वाइज लिखना है. फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा. थर्ड पैरा में आप एंडिंग करते हो, सेकंड पैरा में आप जो भी मटेरियल होता है वो लिखते हो, फर्स्ट पैरा में आप जिस के लिए लिख रहे हो, जो टॉपिक है, आप उसको बेसिकली डिस्क्राइब करते हो. तो ऐसे भी आपका तीन पैराग्राफ में होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा ऐसे लिखें, शॉर्ट ऐसे लिखें, लेकिन तीन पैराग्राफ में उसको फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट करें. एक कंटिन्यूटी राइटिंग में नहीं लिखना है ऐसे स्टूडेंट्स, तीन पैराग्राफ में लिखना है और जो पैराग्राफ की फॉर्मेशन है उसी फॉर्मेशन में ऐसे लिखना है. Children can be taught by their parents or grandparents about the values. Family meals enable family members to encourage each other in every way of life, eating out with family. तो students, आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी family के साथ जब भी बाहर जाएं तो उस time को सेव करें, उसकी वैल्यू समझें. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाएं या पेरेंट्स के साथ जाएं, उस टाइम की वैल्यू समझें और उस टाइम को सेव करें अपने गुड मेमोरीज में.
तो ये स्टूडेंट ऐसे आप लोग अपने पास से लिख सकते हैं. आप चाहें तो अपनी कोई भी डिनर टाइम उठा लें या ब्रेकफास्ट जब आप गए हो तो आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं. सब स्टूडेंट्स अलग अलग अपनी फैमिली का लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ऐसे या जो मैं लेटर बता रही हूँ आप लोग वही लिखें. आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन लिख सकते हैं. आप लोग खुद से लिखेंगे आपकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी होगी. आपकी राइटिंग पावर इनक्रीज़ होगी. अब स्टूडेंट्स राइटिंग पर आ जाते हैं. राइटिंग आपको बहुत अच्छी करनी है. आपका हर अल्फ़ाबेट क्लियरली नज़र आना चाहिए. जहां आप लोगों को कैपिटल लिखना है वहां कैपिटल लिखें और जहां स्मॉल लिखना है वहां स्मॉल लिखें. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए एंड एंड्स योर वर्क विथ फुल स्टॉप. अपने काम का एंड इख्तिताम किस पर करना है? फुल स्टॉप पर करना है. इफ़ यू नीड अ क्वेश्चन मार्क देन राइट अ क्वेश्चन मार्क. अगर आपको क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लिखें. और अगर आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करना है तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल लाजमी रखें. स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को विंटर वेकेशन कंप्लीट करना है. जितना भी विंटर वेकेशन आप लोगों को मिला है अपनी अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करें. देन यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ मंथ ऑफ जनवरी. देन यू हैव टू डू अ वर्क ऑफ मंथ ऑफ जनवरी. मंथ ऑफ जनवरी का फर्स्ट चैप्टर था आपका कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको रिपीट कर दिया स्टूडेंट. कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली था क्या, एक्सरसाइज ए करनी थी आपको. डेफिनेशन इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच कैन बी ज्वाइन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स क्या था? कॉन्ट्रैक्शन वो एक छोटा सा वर्ड था जो एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है, मिलाता है विद एन अपोस्ट्रॉफी. जिन वर्ड्स में अपोस्ट्रॉफी आता है वर्ड्स को शॉर्ट करके, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल. वी एक अलग वर्ड है. will एक अलग वर्ड है. लेकिन हमें इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करना है विद एन अपोस्ट्रॉफी तो वो क्या बन जाएगा? will. वी विल. सो आफ्टर वी राइट अ वी विल विद एन अपोस्ट्रॉफी इट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स मार्जिन का बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा कि मार्जिन कॉपीज़ में बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो. और क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्लू पेंसिल से लिखिए और आंसर ब्लैक पेंसिल से. टाइटल पेज आप लोगों को बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है. अभी आप लोग अपने घर में हैं, वेकेशंस में हैं, तो टाइटल पेज कलरफुल बनाएं, ड्राइंग करें, मार्कर कलर यूज़ करें. उसमें आप लोग डिफरेंट तरीके की क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं. टाइटल पेज को बहुत अच्छा ड्रॉ करिए कलरफुल. राइटिंग मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर स्टूडेंट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिफ़िकल्टी है रिगार्डिंग योर इंग्लिश बी सब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग योर वर्क ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, आपको अपने मंथ ऑफ जनवरी में कॉन्ट्रैक्शन में, लेटर में, एसे में या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी यूनिट में, देन यू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. लेकिन कोशिश करें कि लेटर, एसे, एप्लीकेशन आप लोग खुद से लिखें ताकि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी हो. रोज़ राइटिंग करें घर में, आपकी राइटिंग पावर अच्छी हो. और ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें. ब्लू पेंसिल से अपना क्वेश्चन लिखिए.
क्लास फाइव में हैं, आप लोग पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन लिखें, लेकिन आंसर पॉइंटर से मत लिखिएगा, ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, देन यू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।